नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। फैक्ट्री और घर पर चोरी करने वाले 5 शातिर गिरफ्तार, लाखों की नकदी के साथ माल भी बरामद। उधमसिंह नगर जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं में पुलिस ने 5 चोरों को दबोचा है। पहले मामला ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का है, जहां घर से 4 लाख रुपए चुराने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलवट्टा थाना क्षेत्र में बैंक से कुर्क फैक्ट्री से चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। देहरादून में बाइक स्कूटी की टक्कर में नाबालिग की मौत, विवाहिता ने की आत्महत्या। थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आज स्कूटी और बाइक की टक्कर में नाबालिग युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के विदेश से परिजनों के आने पर शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी तरफ थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत राजेश्वर नगर कॉलोनी में रह रहे प्राइवेट बैंक में कार्यरत महिला ने आत्महत्या कर ली। थाना राजपुर पुलिस द्वारा शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से पत्राचार किया गया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर की महिमा है खास, अप्सरा पर मोहित हो गया था राक्षस, मां काली ने किया अंत। देहलचौरी स्थित मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर में कांडा मेला शुरू हो गया है। इस मौके पर मजीन कांडा मेला समिति और पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा किया। पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट सुबह करीब 8 बजे खोल दिए गए। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने मंदिर में पूजा अर्चना कर मेले का विधिवत शुभारम्भ किया, जबकि काफी संख्या में भक्तों ने मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए। कीर्तिनगर चौरास में पोल से टकराई स्कूटी, 1 की मौत, 2 घायल। कीर्तिनगर विकासखंड के चौरास में कल देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां डंगवाल गदेरे के समीप एक तेज रफ्तार स्कूटी सड़क किनारे लगे पोल से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के मौके पर ही परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। आनंद फानंद में घायल स्कूटी सवार 3 लोगों को बेस अस्पताल शिकोट पहुंचाया गया, जहां 19 साल के एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लक्सा शुगर मिल का गन्ना पेराई सत्र शुरू, पूर्व विधायक चैंपियन ने किया शुभारंभ। लक्सा चीनी मिल का गन्ना पेराई सत्र शुरू हो गया है। सत्र का शुभारंभ मिल मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य सिंह और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने किया। हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने में माहिर भाजपा UCC पर करण महारा ने धामी सरकार को घेरा। UCC को लेकर राज्य में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। राज्य की धामी सरकार ने UCC लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की बात कही है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा भाजपा UCC के जरिए हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करना चाहती है। हरिद्वार की सड़कों पर घूम रहा पिकाचू, पढ़ा रहा खास पाठ। हरिद्वार में एक युवक अनोखे तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरा है। दरअसल हरिद्वार के पुरानी कचहरी का रहने वाला मनोज ठाकुर कार्टून कैरेक्टर पिकाचू का आकार का हेलमेट पहनकर सड़कों पर निकल रहा है। मनोज जब भी यह हेलमेट पहन सड़कों पर निकलता है तो हर कोई उसके अनोखे हेलमेट को देखकर आकर्षित हो जाता है। ऐसे में लोग जिज्ञासावश मनोज से हेलमेट के बारे में जानकारी लेने लग जाते हैं। वहीं लोगों के जवाब में मनोज उन्हें हेलमेट पहनने को प्रेरित करता है। मनोज ठाकुर का कहना है कि उसके एक परिचित की मौत हेलमेट न पहनने से हुई थी। इसके बाद से वो हेलमेट पहनकर ही बाहर निकलता है। जब भी कोई बिना हेलमेट के मिलता है तो उसे हेलमेट की अहमियत बताता है। कुछ देर में लोग भी समझ जाते हैं कि हेलमेट कितना जरूरी है। गौरीकुंड में गौरी माई मंदिर के कपाट हुए बंद, बाबा केदार से जुड़ी है खास मान्यता। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में स्थित माँ गौरी माई मंदिर के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और पौराणिक रीति रिवाजों के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब शीतकाल में 6 महीने तक माँ गौरी की पूजा अर्चना गौरी गांव के चंडिका मंदिर में होगी। रुड़की में कार ओवरटेक करने पर 2 पक्षों में मारपीट, 3 युवक गिरफ्तार। रुड़की में कार ओवरटेक करने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद धीरे धीरे मारपीट में बदल गया। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामले में 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। मसूरी में 2 पक्षों के बीच विवाद में चाकूबाजी हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। ऋषिकेश में दमनचा और खुकरी के साथ 2 युवक गिरफ्तार। रुद्रपुर में राइफल चोर अरेस्ट। देहरादून जिले के ऋषिकेश के घाट चौकी पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को युवकों के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और खुकरी बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों युवकों को न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। उत्तरकाशी टनल हादसा, फंसे श्रमिकों की सफल रेस्क्यू के लिए सुरंग के बाहर पूजा अर्चना, प्रार्थनाओं का दौर जारी। यमुनोत्री हाईवे पर सिलकियारा सुरंग में भूस्खलन की घटना के 4वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग में 40 मजदूर फंसे हैं, जिन्हें 72 घंटों से अधिक समय हो चुका है। NDRF, SDRF और तमाम विभाग सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी बीच देश भर के 7 उत्तराखंड के कई स्थानों पर टनल में फंसे हुए 40 मजदूरों के लिए प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर नारायण मंदिर में सभी श्रमिकों की सलामती के लिए अखंड यज्ञ शुरू किया गया है। इसके साथ ही उत्तरकाशी में बौखनाग देवता की पूजा अर्चना की गयी।
देहरादून में दिवाली से फैला प्रदूषण, आंखों में जलन और खुजली से परेशान मरीज लगा रहे अस्पताल की दौड़। देहरादून में दिवाली के बाद फिजाए जहरीली हो गई है, इसकी तस्दीक अस्पताल पहुंचे मरीजों की संख्या दे रही है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून में आंखों में जलन और खुजली से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आईओपीडी में मरीजों की मारामारी देखी जा रही है। हल्द्वानी में ट्रेन के टक्कर से हाथी गंभीर रूप से घायल, वन विभाग इलाज में जुटा। नैनीताल के लालकुआ में ट्रेन के टक्कर से हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हाथी के पैर पर गंभीर चोट लगी है। वन विभाग की टीम ने हाथी को ट्रैंकुलाइज करके उपचार शुरू कर दिया है। देहरादून के साइया बाजार की सुरक्षा भगवान भरोसे, 13 में से 7 सीसीटीवी कैमरे बंद। देहरादून के साइया बाजार में सुरक्षा के लिए लगाए गए 7 कैमरे 1 माह में से बंद पड़े हैं। ग्राम पंचायत प्रधान की तरफ से इन बंद कैमरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साइया व्यापार मंडल ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।